आस्था के केंद्र धर्मनगरी हरिद्वार में बूचड़खानों यानी स्लॉटर हाउस को बंद करने का फैसला लिया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने हरिद्वार के निगम पालिका और पंचायत क्षेत्रों को वधशाला विहीन घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि हरिद्वार में पशु वधशाला मामला लंबे समय से चल रहा था। कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। क्षेत्रीय विधायकों का कहना था कि हरिद्वार देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए यहां स्लॉटर हाउस का कोई औचित्य नहीं है। देवनगरी हरिद्वार में जहां पतित पावनी गंगा बहती है और जहां महान कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, अब वहां पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था, जहां लगभग 500 गायों की वध होता। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि देवनगरी हरिद्वार के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हरिद्वार में कोई भी पशु वध नहीं होगा, स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी गई है और ये सभी धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है।